सीएम मनोहर लाल अचानक पिंजौर पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर इस समय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अचानक से पिंजौर पहुंचे हैं, औचक निरीक्षण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि ये देखिए, आप जो तस्वीरें भी सामने आई है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अचानक से पिंजौर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और यहाँ पर उनकी ओर से औचक निरीक्षण किया गया है। देखिए यहाँ पर बातचीत करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रही है, किस तरह से क्या इंतजाम है, औचक निरीक्षण अचानक से करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो पिंजौर से ये तस्वीरें हैं, पिंजौर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय पिंजौर में मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पर औचक निरीक्षण उनकी ओर से किया गया। हमारे संवाददाता अनिल बोर, अनिल बोर ओवर टू यू। तो पिंजौर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए औचक निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस समय खबरें अभी तक आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर बातचीत भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और क्या क्या इंतजाम है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, उन सब के बारे में मुख्यमंत्री यहाँ जानकारी लेते हुए नजर आ रही है। तो अचानक से ये मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है पिंजौर, अचानक से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ किया जा रहा है। देखिए बातचीत मुख्यमंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाईवे का दरअसल ये निरीक्षण मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि जाम की स्थिति बनी रहती है, और अब यहाँ से एक बार फिर से रवाना होते हुए मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ। तो दरअसल आपको बता दें कि यहाँ अक्सर यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है, और इसी को लेकर वो यहाँ अधिकारियों से बात भी कर रहे थे, पुलिस अधिकारियों से भी बात कर रहे थे कि क्या यहाँ पर परेशानी रहती है, क्यों यहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। तो इस सब के बारे में मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे थे, और उसके बाद अब देखें आप, मुख्यमंत्री ये पूरी जानकारी लेने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर अपने काफिले के साथ यहां से रवाना होते हुए, और अचानक से दरअसल मुख्यमंत्री का यहां रुकना हुआ है, मुख्यमंत्री का ये औचक निरीक्षण है, और ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय खबरें अभी तक, देखिए पल पल के हर अपडेट आप तक पहुंचाता है, और इसलिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक आपको यहां पर दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अनिल मोर भी वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार हम तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रही हैं। ये मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण हुआ है, जो हाईवे है पिंजौर का, वहां पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री, क्योंकि यहां पर खुद मुख्यमंत्री कई बार गुजरते हैं, तो मुख्यमंत्री ने ये समस्या जब देखी, महसूस की, तो उसके बाद मुख्यमंत्री यहां बात करते हुए नजर आए हैं। लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री का काफिला यहां से रवाना होता हुआ। तो ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको यहां से हम दिखा रहे हैं। देखिए आप, यहां से मुख्यमंत्री का काफिला रवाना होता हुआ, और यहां पर बारिश की वजह से भी देखिए जलभराव के कारण भी जाम लगा हुआ है, लेकिन अक्सर यहां पर जाम की स्थिति बनी ही रहती है, और इसीलिए मुख्यमंत्री यहां पर खुद उतरे, उन्होंने बात की अधिकारियों से, उन्होंने बात की पुलिस अधिकारियों से भी, और जाना कि क्यों ये समस्या असल में है, क्यों यहाँ अक्सर जाम लगा रहता है। तो इसको जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर से अपने काफिले के साथ यहाँ से रवाना हो गए हैं। दरअसल इसके बाद जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से यह जानकारी ली गई है, तो उसके बाद इस समस्या का समाधान करने की भी कोशिश मुख्यमंत्री की रहने वाली है। लेकिन अब यहां से मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए, काफिला मुख्यमंत्री का आगे बढ़ते हुए, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय खबरें अभी तक आपको दिखा, सबसे पहले सीधी तस्वीरें खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है, और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री के काफिले की, जो अब यहां पिंजौर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तस्वीरों के माध्यम से, और यहां से अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक की ओर से आप दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है। हमारे संवाददाता और हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट है, वो लगातार आप तक ये तस्वीरें हैं जो पहुंचा रही हैं। अचानक से मुख्यमंत्री का दरअसल यहां रुकना हुआ है, मुख्यमंत्री आज पंचकुला में थे, और पंचकुला में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन वहीं से अब मुख्यमंत्री अचानक से यहां पिंजौर में रुके हैं। अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, मुख्यमंत्री का यह औचक निरीक्षण हुआ है, मुख्यमंत्री हम तस्वीरों में देखा कि यहां पर पुलिस अधिकारियों से या ऑफिशियल से बात करते हुए नजर आए, क्या जानकारी जुटाई मुख्यमंत्री की ओर से? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री का पंचकुला में कार्यक्रम था, लेकिन एकाएक मुख्यमंत्री का पिंजौर आने का कार्यक्रम बन जाता है, क्योंकि जो पिंजौर से बद्दी हाईवे निर्माण थी ना, इसका यहाँ पर मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जो पंचकुला के डीसी है वो साथ में मौजूद है, दूसरे प्रशासनिक अधिकारी वो भी साथ में मौजूद है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो काम चल रहा है हाईवे का, उसका निरीक्षण किया, क्योंकि जो फ्लावर के नीचे यहाँ पर निर्माणधीन है काम, उस वजह से यहाँ पर लंबा जाम लगा रहता है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं,
मुख्यमंत्री के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री लगातार कार्य की समीक्षा कर रहे हैं कि कार्य किस प्रगति पर चल रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की ओर से ये जानकारी ली गई कि आखिर क्यों जाम की स्थिति बनी हुई है, यानी कि ये माने अनिल कि क्योंकि अचानक से मुख्यमंत्री ने यहाँ रुकने का प्लान किया तो आगे इस समस्या का समाधान भी मुख्यमंत्री की ओर से करने की कोशिश होगी। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर काम चालू है, यहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं जो दूसरे अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री फिलहाल हाईवे पर जो समीक्षा है कामों की वो यहाँ पर कर रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री रुके हैं, अनिल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक बार फिर से रुके हैं मुख्यमंत्री का काफिला। देखिए मुख्यमंत्री फिलहाल यहाँ पर हाईवे का काम चालू वहाँ पर आगे गए हैं, जो आगे की तस्वीरें वो भी कुछ देर बाद हम आपको दिखाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शानदार रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं अनिल, और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कठिन परिस्थिति में आप रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जो हम दिखा भी रहे हैं तस्वीरों में कि जलभराव के कारण, बारिश के कारण, देखिए सड़कें जो हैं वो भी इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है जाहिर तौर पर, बारिश के बाद यहाँ पर कीचड़ जैसी स्थिति भी देखी जा रही है। तो उस सबके बीच से खबरें अभी तक देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप तक पहुँचा रहा है हमारे संवाददाता अनिल मोर, आप तक ये पूरी जानकारी पहुँचा रहे हैं, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट उनके साथ मौजूद हैं जो आप तक ये सीधी तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। और लगातार मुख्यमंत्री का जो काफिला आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये हाईवे का निर्माण हो रहा है और इसी वजह से यहाँ पर ये स्थिति है जो देखी जा रही है कि जाम की स्थिति और इसकी वजह से लोगों के सामने जाहिर तौर पर परेशानी होती है। तो इसी को महसूस किया मुख्यमंत्री ने और यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, मुख्यमंत्री की ओर से अचानक यहाँ रुकने का प्लान हुआ और ये औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से जुटाई गई कि आखिर किस तरह से यहाँ पर और क्यों ये स्थिति बनी हुई है, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर इस जानकारी को लेने का ये रुकने के पीछे मकसद ये था कि कैसे इसको आगे इस समस्या का समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर यह जानकारी लेने के बाद अब इस समस्या का समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो खबरें अभी तक आपको दिखा रहे हैं अनिल मोर, इस समय क्योंकि हम देख पा रहे हैं आप लगातार कि मुख्यमंत्री अब आगे कहां पे स्टॉप मुख्यमंत्री का होने वाला है, कहां तक मुख्यमंत्री का यह काफिला आगे बढ़ रहा है। देखिए मुख्यमंत्री काफी खबरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री के काफिले के खबरें की टीम खासतौर पर और बिल्कुल सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम उनके साथ खबरें अभी तक की टीम खास तौर पर और बिल्कुल सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अंतिका तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एक फोर लेन हाईवे बनना है जो यहाँ पिंजौर से सीधा ये हाईवे बद्दी नालागढ़ जाएगा और जो निर्माण कार्य है वो लगातार प्रगति पर है। आप काफिले देख सकते हैं मुख्यमंत्री का काफिला, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अमरावती के पास जो फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ का जो निरीक्षण है मुख्यमंत्री की तरफ से वो निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया कि वहाँ पर किस तरीके से जो कार्य की प्रगति है वो चल रही है, कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। अब जो मुख्यमंत्री का हाईवे है इस निर्माणाधीन हाईवे के ऊपर चल रहा है, मुख्यमंत्री के काफिलों को आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री का काफिला लगातार यहां पर चल रहा है, ये जो फोर लेन हाईवे लगातार हाईवे की तस्वीर भी देखिए, लगातार इस कार्य की जो प्रगति है वो लगातार चल रही है। पिछले दिनों उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक थी मुख्यमंत्रियों की जिसमें मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की थी, उस बैठक में भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठा था इस हाईवे के निर्माण का, और ये मुद्दा उस वक्त ये मुद्दा जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनकी तरफ से उठाया था। अब मुख्यमंत्री का काफिला रुक चुका है, हम और भी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो लगातार खबरें अभी तक पर है। आप देखिए मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर रुक चुका है और मुख्यमंत्री यहाँ पर जो कामों की समीक्षा है वो जायजा मुख्यमंत्री यहाँ पर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे यहीं तक जो काम है, ये लोकेशन क्या है, लोकेशन भी बताएं कहाँ पर रुके अभी मुख्यमंत्री। यहाँ पर लिया जा रहा है, साथ में जो पंचकुला के डीसी है वो यहाँ पे मौजूद है, जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पिछले दिनों जयपुर में बैठक थी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की थी। ये हाईवे सीधा नाला हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जो
एक आवागमन है वो ज़्यादा आसान होगा। मुख्यमंत्री लगातार जो कामों की समीक्षा है वो यहाँ पर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ कहीं ना कहीं सारे प्रशासनिक अधिकारी है वो भी मौजूद है। सीएम साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो कामों की कितनी प्रगति यहाँ पर हुई है। समीक्षा लगातार सीएम साहब की तरफ से की जा रही है। डीसी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी कहना कि मुख्यमंत्री सारी अपडेट यहाँ पर ले रहे हैं। बारिश आई हुई है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ, फिर भी मुख्यमंत्री इस मौसम के बीच भी कहीं ना कहीं जो कामों की प्रगति है उसकी समीक्षा यहाँ पर ले रहे हैं। सीएम साहब से कहने की भी कोशिश करेंगे कि फिलहाल कामों की क्या समीक्षा है। और कहीं ना कहीं जो पंचकुला के डीसी है वो यहाँ पे मौजूद है, अधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं सीएम साहब को सारी बातें बताई जा रही है। यहाँ पर रेलवे लाइन के लिए ब्रिज बनना है उसकी कहीं ना कहीं सीएम साहब समीक्षा ले रहे हैं। लगातार आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम ख़राब है, बारिश का मौसम है, फिर भी सीएम साहब फिर भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है कामों की जो समीक्षा है वो यहाँ पर देखी जा रही है सीएम साहब की तरफ से कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री कहना कि अधिकारियों को निर्देश देते नज़र आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से किस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। सीएम साहब से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि फिलहाल कितना काम प्रगति पर पहुंचा है। और जो अधिकारी है मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि कितना काम हो चुका है, पूरी समीक्षा ली जा रही है। सीएम साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। सीएम साहब मौसम ख़राब है, ख़राब मौसम में भी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, फिर भी आप यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है बाईपास पिंजौर का और यहाँ ये जो रेलवे लाइन का और इस बाईपास सड़क का जो क्रॉसिंग है ये बहुत दिनों से कोई ना कोई टेक्निकल बात होगी जिस कारण से अड़ा हुआ है केवल इसको देखने के लिए। और अब जब मीटिंग करेंगे तो प्रत्यक्ष बता भी पाएंगे कि हाँ इसको जल्दी करने के लिए कोई उसका रास्ता निकालें। ये जल्दी अगर निकलता है तो ये बाईपास पूरा बद्दी रोड के साथ मिलेगा तो पूरे देश भर के लोग, हरियाणा के लोग या इस साइड से आने वाले लोग सब बद्दी जाने का जो रास्ता स्मूथ बन जाएगा क्योंकि बद्दी शहर से ट्रैफिक बहुत है। इसलिए जल्दी कैसे हो इसके लिए आज मैं देखने के लिए आया। जो जयपुर में बैठक थी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की उस दौरान भी उठा था कि जो नालागढ़ फोर लेन हाईवे बनना है, कब तक का टारगेट है, कब तक ये बन जाएगा? बताया कुछ कंपनियों के और रेलवे के लोगों में आपस में कोई कारण है जिस कारण से रुका हुआ है तो इसकी प्रत्यक्ष देख करके जाने के बाद इसकी द्वारा मीटिंग करेंगे तब पता चलेगा। मैं आपसे सड़कों का सवाल करूंगा, गडकरी साहब आए थे एक दिन पहले गुरुग्राम में, तब भी बड़ी सौगातें हरियाणा को सड़कों की मिली है, 152D भी अंबाला में बनकर तैयार हो चुका है, सड़कों के लिहाज से आज हरियाणा कहाँ पर? हरियाणा बहुत अच्छे जगह पर इस समय है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जब जब हमने जो जो कहा है तभी उन्होंने बातें मानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते आज मैं समझता हूँ हरियाणा जो है देश का नंबर एक प्रांत है और इसी कारण से जितने इन्वेस्टर्स हैं आज सारे देश भर में अगर किसी प्रांत का डेस्टिनेशन उनको लगता है कि सबसे प्राथमिकता का उनका मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जो है वो हरियाणा इसीलिए बना हुआ कि का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत। एक आखिरी सवाल भी सड़कों का, 2024 तक आपका क्या टारगेट है और सड़क ही विकास की पहली गारंटी मानी जाती है? देखिए सड़कें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो देश की प्रदेश की आर्थिक स्थिति वो बढ़िया बनेगी, इसलिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद सारी आर्थिक गतिविधियाँ चालू होती हैं। 2024 तक जितने हमारे पेंडिंग काम इस समय सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सड़कों के काम से संतुष्टि? एकदम बढ़िया। बिल्कुल सीएम साहब और कहना कि सीएम साहब ने सड़कों पर ही बात की है और सीएम साहब का ये कहना है कि जो सड़क ही विकास की गारंटी होती है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जायजा लिया, सुपर एक्सक्लूसिव सबसे पहले बात खबरें अब तक से की और कहना कि सड़कों को लेकर कितनी प्रोग्रेस हरियाणा में हो रही है वो मुख्यमंत्री ने बताया। यहाँ की तस्वीरें देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि मौसम खराब है, बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, फिर भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं खराब मौसम में और कहना कहीं जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर लिया गया है कि जो फिलहाल कितने काम हो चुके हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं जो जायजा मुख्यमंत्री साहब की तरफ से यहाँ पर लिया गया। और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं यही एक बार कह रहे हैं कि जो हरियाणा है सड़कों के मामले में दूसरे प्रदेशों से काफी आगे है। और इस वक्त आप लगातार उनके साथ रहे और ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक दिखा रहा है अनिल। अचानक से क्या और मुख्यमंत्री को किसी तरह की कुछ शिकायतें भी मिल रही थी विकास कार्यों को लेकर कि कुछ ढीला चल रहा है या कहीं पर कुछ कमियां हैं, या मुख्यमंत्री ने खुद से यह संज्ञान भी लिया? देखिए
देखिए मुख्यमंत्री साहब की तरफ से खुद ये संज्ञान लिया गया है, क्योंकि ना सिर्फ आपको खुद भी याद होगा, लगातार आप तस्वीरें भी देखते रहिए, तस्वीरें भी, क्योंकि जो जयपुर में बैठक हुई थी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की, जिसमें उत्तर क्षेत्र के कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने बैठक में शिरकत की थी, सीएम साहब भी मौजूद थे, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी मौजूद थे, उस दौरान भी ये मुद्दा वहाँ पर उठा था, तब भी कहीं ना कहीं ये बातें आई थी कि जो ये नालागढ़ हाईवे जल्दी से जल्दी निर्माण होना चाहिए, और यही जायजा मुख्यमंत्री यहाँ पर लेने पहुँचे, और मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं जो ये बाईपास का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो कामों की समीक्षा है मुख्यमंत्री की तरफ से, वो समीक्षा यहाँ पर की गई है, क्योंकि जो ये महत्वपूर्ण हाईवे है उस बैठक में भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाया गया था, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, एक दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम आए थे, तब भी कहीं ना कहीं बड़ी सौगातें हरियाणा को सड़कों की दी थी, और कई हाईवे अभी भी हरियाणा में निर्माणाधीन है, कुछ का निर्माण हो चुका है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार सड़क के कामों की समीक्षा कर रहे हैं, और लगातार जो अधिकारी है अधिकारियों को जो निर्देश है मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार यहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं। जी अनिल, आपसे हम बात करते रहेंगे, आप बने रहें। और इस वक्त एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, मुख्यमंत्री सड़कों का जो कार्य चल रहा है उसको जानने के लिए और विकास कार्यों को किस तरह से किया जा रहा है, औचक निरीक्षण पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ पिंजौर पंचकुला से। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर आपको दिखा रहे थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री खबरें अभी तक पर बोले और उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि सड़कों को लेकर बहुत ज्यादा संजीदगी बरती जाए और हरियाणा देश में सड़क को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है सड़कों के कार्य। और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर, उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीसी पंचकुला मौजूद हैं, आईपीएस अधिकारी हनीफ कुरैशी मौजूद है, और इसके अलावा और भी तमाम लोग मुख्यमंत्री के साथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कमिश्नर और डीसी दोनों ही मौजूद हैं और यह औचक निरीक्षण तकरीबन आधे घंटे तक मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इस तरह से अलग अलग विकास कार्यों का जायजा लिया, जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है उसका जायजा लिया। और अनिल मोर वहीं पर मौजूद है। अनिल, और क्या अपडेट है और क्या कुछ अभी और कुछ प्रोग्राम है कहीं और जाने का? देखिए मुख्यमंत्री साहब यहाँ से निकल रहे हैं फिलहाल, कहीं ना कहीं निरीक्षण मुख्यमंत्री साहब की तरफ से यहाँ पर किया गया है, और अब मुख्यमंत्री ने इस निर्माणाधीन हाईवे का निरीक्षण किया। जो पदाधिकारी है बीजेपी के वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। सीएम साहब औचक निरीक्षण पर पहुँचे हैं, कैसा लगा खराब मौसम में भी सीएम साहब यहाँ पे आए हैं, कितना महत्वपूर्ण है पंचकूला के लिहाज से? देखिए भाई साहब, मैंने तो पहली बार ऐसे सीएम देखे हैं, मैं तो पिंजौर कुछ अपने काम से जा रहा था, सीएम साहब का काफिला इस रोड पर आते हुए देखा हमने, तो सोचा रोड बंद है, सीएम साहब कहाँ जा रहे हैं, हम भी पीछे लगा लेते हैं। और आपके जैसे ही हम हैं, जब आकर यहाँ पर देखा, पहली बार ऐसे हमारे कोई प्रदेश के सीएम देखे हैं जो कीचड़ में भी और ऐसे बारिश के मौसम में भी आके अपने आप एक अपने प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं, क्यों रास्ता ये इतने टाइम से बंद है, क्यों प्रदेश की जितनी हमारी जनता है उनको परेशानी हो रही है। देखिए सीएम साहब यहाँ से निकल चुके और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साहब की तरफ से नासिर इस हाईवे का निरीक्षण यहाँ पे किया गया, जो ये बाईपास बन रहा है इसका निरीक्षण किया, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने सुपर एक्सक्लूसिव बात यहाँ पर की गई, और कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है सरकार के लिहाज से। सीधा ये हाईवे पिंजौर की तरफ से सीधा बद्दी की तरफ जाएगा और ये 4 लेन हाईवे बन रहा है। जैसे इस हाईवे का निर्माण हो जाएगा, जो लोग अम्बाला चंडीगढ़ की तरफ से आएंगे वो सीधा, अगर उनको बद्दी जाना हो, इस हाईवे के जरिए सीधा बद्दी पहुँच जाएगा, और कहीं ना कहीं जो सुगम है, जो एक सफर है, सफर काफी आसान हो जाएगा जो लोग हरियाणा की तरफ से बद्दी की तरफ जाएंगे। तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए, और इस वक्त एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री निर्माणाधीन हाईवे का जायजा लेने पहुंचे, औचक निरीक्षण पर पहुंचे, और इस वक्त इस तरह की चीजों की बहुत जरूरत होती है। हरियाणा देश में नंबर 1 प्रांत है, विकास वन प्रांत है, मुख्यमंत्री का यह बयान सड़क ही विकास की गारंटी होती है, और उन्होंने खुद से संज्ञान लिया कि देखा जाए कि किस तरह से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, 2024 तक विकास के पेंडिंग काम पूरे किए जाएंगे, खबर अभी तक पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, और औचक निरीक्षण की तस्वीर पूरी आपने लाए आधे घंटे तक खबर अभी तक पर देखी। सबसे पहले खबर अभी तक पर एक्सक्लूसिव मुख्यमंत्री का बयान आया, मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो भी आपको सुनाते हैं एक बार फिर से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान। सड़क ही विकास की पहचान होती है, हरियाणा देश का नंबर 1 प्रांत है, उन्होंने ये कहा सड़कों के मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि जो भी
निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं उनको वक्त पर पूरे कराए जाएंगे और इसीलिए औचक निरीक्षण किया ताकि पता चले, जमीनी हकीकत पता चले, धरातल पर किस तरह से काम हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान और वो तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे थे और वो मौजूद रहे, उनके साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े अधिकारी थे, डीसी पंचकुला, कमिश्नर, वो सभी मौजूद रहे। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं और दिशा निर्देश देते नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मुख्यमंत्री की गाड़ी के साथ ही खबरें अभी तक की गाड़ी रही और जहां जहां भी मुख्यमंत्री पहुंचे सबसे पहली तस्वीरें खबरें अभी तक ने आपको दिखाई। हमारे संवाददाता अनिल मोर लगातार आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराते रहे। विकास कार्यों को लेकर जो दावे और वादे किए जाते हैं उनके बारे में जानकारियां और सही तरीके से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री इस तरह से औचक निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने वक्त पर सभी काम पूरे करने की बात कही और साथ में उनका यह भी कहना था कि जाम लगने की भी शिकायतें मिल रही थी तो वो भी खुद से जायजा लेने के लिए पहुंचे कि स्थिति किस तरह की रहती है और जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। पिंजौर पंचकुला से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे थे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं।